Hello. Yeah. Thank you. Rizam. मुझे कुछ हुआ ना तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी बीवी और अश्मिता कहाँ है। ओ ये? उसके लिए तेरी जान मैं धीरे धीरे लूंगा, और उन्हें कुछ हुआ तो तू और आहिस्ता आहिस्ता मारा जाएगा। उन्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहोगे तो फिर। अरे यार फोन है, फोन। उमर भाई तुमसे मिलने और बात करने के लिए बड़े बेताब हैं। उन्होंने एक तोहफा सबूत भेजा है, इस पर वो तुम्हें कॉल करेंगे, और वो रहा तुम्हारा बॉक्स गिफ्ट। बॉम्ब नहीं है, अगर बॉम्ब होता तो मैं उसके पास खड़ा नहीं होता। चाबी यार, चाबी तो चले। से पूछो, वो जानती है। वैसे एक आध दिन में आधा हिंदुस्तान जाए जाएगा रेडिएशन का असर। क्यों डॉक्टर? ए, 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 ओमर, निरुपमा को जाने दो,
ये जंग हमारे बीच की है, तुम और मैं। तुम और मैं, हम तो बस मोरे हैं। ये जंग उसकी है, हमारे बीच की नहीं विसाम। It is between good and evil. उमा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो मेरा एक आखिरी ख्वाहिश। आखिरी एक क्या? आखिरी एक बार नमाज पढ़ने तो जैसे न्यूयॉर्क के उस वेयरहाउस में। शैतान, बूम, पावर। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ विसाम, पर तुम्हारी तरह मरने से डर नहीं रहा। मैं सच्चा जिहादी हूँ। तुम दोनों को मरना पक्का है उमर। तुम शायद मेरे साथ नहीं, बाद में मरोगे। तब तक तो निरुपमा को जिंदा रहने दो, प्लीज प्लीज। ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। जा तुम वहां, मैंने कहा था ना। तुम नहीं, लेकिन मैं दोस्ती निभाना जानता हूं। चलो, पूरी कर दी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। ओह, थैंक यू। सलीम, ले जाओ इसे दरियागंज 4:30। कम से कम आधे घंटे जीने का हक मिलना चाहिए इसे। जवान है बेचारे, मेरी खतीजा की तो उम्र हो चुकी थी। नहीं बसा, छोड़ दो मुझे। 5 बजे मुनव्वर, तू छोड़कर ले जाऊंगी। I love you साहब, मर कर भी कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। I love you साहब। मर्दों के मुकाबले औरतें ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मेरी खदीजा भी करती थी। खदीजा, नासिर, याद है विसाम, तुमने इतने मासूम मारे, किसे किसे याद रखोगे? जो सब याद है उमर, शायद तुमसे ज्यादा। होनी चाहिए, एक मक्का की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। पर एक जिहादी के पास एक चीज बड़ी शदीद होती है विसाम, और परम, खुद को सच्चा और ईमानदार समझने का।